अगर ये मटेरियल वगैरह सेम है, लेंथ वगैरह सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहे हैं, तो करंट कैसे मूव करेगा इसको उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ पे वोल्ट मीटर बोला जा रहा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनाइट। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर देखने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दिए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जितने भी आपके न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उन सबको मैं आपको करा दूंगा, फिर हम थ्योरी की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने सारे न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ये चीज मेरे से गलत बोल गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कहां से करता है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये चीज मैंने आपको यहां पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए क्या होता है आपका, तो कुछ फॉर्मूले देखिए। सबसे पहला यहां पे देखो, मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं क्योंकि मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं आपको, तो यहां पे फॉर्मूले ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कि जो आपका वोल्टेज होता है इक्वल्स टू क्या होता है, आर आई होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आपको सारी चीज क्लियर होगी। और हीट जो होता है आपका, हीट दूसरा फॉर्मूला देखिए, हीट जो होता है और पावर दोनों बराबर होते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, निकालते हैं वी इंटू आई करके, वी इंटू आई करके। अब देखो वी किसके बराबर है, आर आई के। अगर आप यहां पे पुट कर दोगे वी की जगह आर आई, तो देखो आई और ये भी आई, क्या बन गया आई का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया R। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने, आसान फॉर्मूले बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहां पे एनर्जी जो होता है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एनर्जी इक्वल्स टू होता है P इंटू मीटर, यानी कि पावर इंटू टाइम कर दो, आपका एनर्जी निकल जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा सीरीज में, अगर हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस अगर हमारे कनेक्टेड है, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, इस तरीके से हम इनको जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा। और अगर हमारे कैसे पैरेलल में, जैसे मान लो हमारे रेजिस्टेंस कैसे इस तरीके से पैरेलल में है ना, ऐसे करके हमारे पैरेलल है इस तरीके से, तब हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे इन सबको इस तरीके से, वन अपॉन में आर एस, यानी कि टोटल वाला है हमारा, आर एस का मतलब टोटल, यहाँ पे वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू, यानी कि दूसरा रेजिस्टेंस, इस तरीके से जितने भी हम उसको रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक यूनिट जो होता है, जो आपके मीटर लगा ना घर में, वहां पे एक यूनिट आता है, कब होता है ये एक यूनिट, जब आप एक किलो वाट घंटा आप इतना इतनी एनर्जी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब आपका क्या आता है मीटर में एक यूनिट निकल के आती है। तो आपको ध्यान रखना है एक यूनिट किसके बराबर होता है, वन किलो वाट घंटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हम न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन आपकी बुक में, जो किंग्स इंडिया की बुक है, और जिस भी स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं करके, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन क्या आपका, चौथे क्वेश्चन बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, इतना दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पे पढ़ लो कितना दे रखा है, 20 वोल्ट का, और हमें चार्ज दे रखा है कितना दे रखा है, देख सकते हो चार्ज इक्वल टू कितना हमारा 0.5 कूलम। हमसे बोला वर्क डन निकाल के बताओ, तो भाई सिंपल फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू क्या हमारा वर्क डन, और नीचे क्या आ जाएगा आपका चार्ज आ जाएगा। अब देखो हमें ये पता है, वी पता है, देखो वी पता है क्या, हाँ जी 20 पता है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखो क्यू, क्यू कितना पता है हमें 0.5, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.5 आ गया, तो वर्क डन निकल जाएगा ये 20 इंटू में 0.5 इक्वल्स टू कितना W। अब देखो इसको इससे हटाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10 वाट। तो इस तरीके से हमने ये लगा लिया, कितना आ गया ये, सॉरी वाट नहीं आएगा क्योंकि वह है ना वर्क डन है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका 10 जूल आएगा। बहुत बढ़िया, एक बार हम चेक कर ले चौथे का आंसर क्या है, हाँ जी चौथे का एक बार चेक करना चाहेंगे हम, फोर्थ का आपका बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है सेकंड, यहाँ पे देखिए एट्थ नंबर का क्वेश्चन, आठवें नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, आठवें नंबर के क्वेश्चन बोला, एक बार मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मार्कर को, हाँ आठवें क्वेश्चन बोल रखा है पैरेलल कनेक्टेड कर रखा है, ठीक है, हमारे पे इस तरीके से रेजिस्टेंस थे 2, 3 और 6, इनको हमने क्या कर रखा है पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकाल के बताने, कैसे टोटल, तो ये मान लो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है आठ वाला कि हमने इनको इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा हो गया इस तरीके से, और ये इस तरीके से हो गया, और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले का इसका रेजिस्टेंस था, तो ये कितना था हमारा 2, ये कितना हमारा ये हमारा 3 ओम का, और ये कितना हमारा 6 ओम का, इस तरीके से हमें क्या कर रखा था पैरेलली कनेक्ट कर रखा था। हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है कि 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 6 कर देंगे। अभी टोटल देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 आएगा, यहाँ पे 6 लाने के लिए ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 1, भाई सिंपल है एलसीएम लिया हमने, 6 अपॉन 6 आ गया, आंसर कितना बचा 1, तो हम बोल सकते हैं कि आर एस बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो आपको, आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि हम क्या लिखेंगे 1 ओम आपका क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। ये रेसिप्रोकल भी कर लेना, ध्यान रखना यहाँ पे 1 अपॉन में 1 है, रेसिप्रोकल ऐसे उठा के करोगे तो ये जो आपका आर एस था ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 ही रहने वाला है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। इसको मिटो है, अगला पढ़िए कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया होगा, प्लीज उसे रीड आउट करिए। यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन, इन्हें बोला कि डो बाय, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, यहाँ से मिटोते हैं और इसको हम यहाँ से कराते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको, देखो यहीं से कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है 9th वाले क्वेश्चन में कि हमारे पे क्या है कि 2 वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 वायर
रेजिस्टेंस, देखो यहां पे बोल रखा है दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना आर है, इनको मैंने पैरेलल कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, दो वायर है दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आर है, आर इन्होंने बोल रखा है हमने पैरेलल कनेक्ट कर रखा, तो भाई पैरेलल कनेक्ट कर रखा तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बताना है, तो बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, दो ही दो रेजिस्टर है आपके, तो आर वन प्लस में आर टू, ठीक है। अब देखो आर वन आर टू किसके बराबर है, इसका क्या है आपका आर है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या आर है, यानी कि आर वन का भी कितना है आपका आर स्मॉल आर, और आर टू का भी कितना, सॉरी आर टू था इसका भी कितना हमारा आर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया आर लिख लिया। अब एक बात तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू आर आ जाएगा, हाँ कि ना बोल भाई, बिल्कुल आ जाएगा, आएगा कि नहीं, देखो ये हो गया ना आपका, यहाँ पे देखो एलसीएम नीचे वाला सेम है, तो यहाँ पे वन वन क्या हो गया टू, और नीचे आर का आर ही रहा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू रेसिप्रोकल, इस तरीके से ऊपर कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर अपॉन में टू इस तरीके से। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा क्या नाइन्थ का, तो नाइन्थ का हम एक बार चेक करना चाहेंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू, सॉरी मेरा मतलब आर अपॉन में टू, और यहाँ पे क्या जाएगा रेजिस्टेंस, क्लियर हो आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है कि हमें बोल रखा है कि एक वायर है, वायर की जो लेंथ है वो दूसरे वाले वायर की सेम है, यानी कि दो वायर है हमारे पे, दो वायर दोनों की लेंथ क्या हमारी सेम है, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है दोनों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, और एक बार मैंने सीरीज में कनेक्ट करा, तो पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगा, दोनों का भैया रेशियो निकाल के बता दो आप, तो सुनो मेरी बात कैसे करना है। एक बात बताओ इससे आप क्या समझे, दो वायर जो है, सॉरी मेरा मतलब दोनों वायर जो, दोनों वायर की लेंथ सेम है, इससे आप क्या समझे कि हमारा वायर हो गया, वायर नंबर ये हो गया ए बी, और अगला वायर हो गया हमारा सी डी, सी डी इस तरीके से। अरे भैया दोनों की लेंथ सेम है, अगर लेंथ सेम है, दोनों वायर भी सेम है, तो इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन भी सेम हुआ, क्रॉस सेक्शन सेम हुआ तो भैया इसका एरिया भी सेम हुआ। अच्छा भैया इससे क्या हुआ, अब देखो एक बात सुनो, अगर ये मटेरियल वगैरह सेम है, लेंथ वगैरह सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस दोनों में सेम आने वाला है, क्या आने वाला है, रेजिस्टेंस दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका आर, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा आर आएगा, यानी कि दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगा सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर मैं इन दोनों को पहले तो कैसे कनेक्ट कर रहा हूं पैरेलल में, ठीक है, हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये आ गया हमारे इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद बोला हमने इसको कैसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं ये पहला, अरे यार कैसे बना रहे हो भैया क्या करोगे, देखो ये इस तरीके से भाई सीख लेना इसको इस तरीके से, ठीक है, हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया आर वन और ये आर टू, ये हो गया हमारा कैसे सीरीज में, और ये हमारा कैसे हमारा पैरेलल, ये आर वन और ये आर टू। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोल रखा है कि दोनों की लेंथ सेम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे आर आर बोल देंगे, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस सेम होगा, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, काम खत्म। अच्छा ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, अगर मैंने पैरेलल कनेक्ट करा और ऐसे कनेक्ट करा है सीरीज में, तो दोनों का मुझे हीट का रेशियो निकाल के बताना है क्या आएगा, तो सुनो हीट का फॉर्मूला बोलो, हीट का फॉर्मूला होता है वी आई, क्या होता है वी आई होता है। अच्छा तो देखो हीट का, यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस पैतुल निकाल लेते हैं, इस सर्किट का हम पहले क्या निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर बता दो क्या आएगा, वन अपोन में आर प्लस में वन अपोन में आर, ठीक है, हाँ कि ना बताओ, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे वन अपॉन आर हो गया, ये भी वन अपॉन आर हो गया। अब एक बात तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टू आर जुड़ के कितने हो जाएंगे, टू अपॉन मेरा मतलब टू अपॉन में आर, हाँ कि ना बताओ, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। एक बात बताओ, ये मैंने गलती नहीं लिख दिया, एक मिनट, मैंने गलती लिखा है, वन अपॉन में आर एस इक्वल्स टू वन अपॉन में आर प्लस में वन अपॉन में आर होगा ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा टू अपॉन आर मेरा मतलब, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो गया हमारा कितना आर अपॉन में टू, आर अपॉन टू आ गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना निकला, इतना निकला। अच्छा जी अगर रेजिस्टेंस इतना है तो एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस इतना हो गया इसमें तो क्या आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो, चलो ये भी छोड़ो, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालो, जरा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे टू आर हो गया। अच्छा जी सोल्यूशन, हमने दोनों में से रेजिस्टेंस निकाली, इसका भी रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया और इसका भी हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें क्या करना है, हीट निकालना है, तो देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है वी आई, इस तरीके से होता है। अब एक बात बताओ, हीट का फॉर्मूला एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, देखो अगर मैं वोल्टेज को सेम सप्लाई कर रहा हूं दोनों में से, तो वोल्टेज को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, वोल्टेज को मैं ऐसे देता हूं, और आई की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो आई की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर वाले फॉर्मूले में आई की जगह हम लिख सकते हैं वी अपॉन में आर, तो यहाँ पे जो आपका आई था, आई की जगह हमने लिख लिया वी अपॉन में आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये जगह वी को वी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी का स्क्वायर अपॉन में आर हो गया, तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया। एक बात तो यहाँ पे हीट कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे हीट कितनी आएगी, वी का स्क्वायर अपॉन आर, तो देखो वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर देते हैं, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आर अपॉन में टू, तो यहाँ पे आर आ जाएगा अपॉन टू है, तो ये टू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हम हीट निकालते हैं, तो यहाँ पे हीट निकालने का तरीका वी का स्क्वायर अपॉन में आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस टू आर है, तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया टू आर रख लिया। अब दोनों का मुझे रेशियो निकालना, तुम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं आर टू सॉरी एच टू रेशियो आर एच वन, ठीक है ना, इसका रेशियो हमने इससे निकाल लिया ना, तो देखो यहाँ पे कितना हमारा ये हमारा वी का स्क्वायर अपॉन में टू आर।
अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो किससे, इससे करेंगे हम डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो निकाल लो, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बी का स्क्वायर, आर से आर खत्म, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो वन अपॉन में फोर, तो रेशियो कितना निकल गया, वन रेशियो में फोर। बताओ क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें करना था, इस तरीके से हमें करना था, ध्यान देना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। हमने क्या कर लिया भाई, हमने यहाँ से हीट निकाल लिया, इसका भी हीट निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें पता है कि वोल्टेज हम सेम सप्लाई कर रहे हैं, इसमें से वोल्टेज सेम होगा दोनों में, वोल्टेज सेम होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशियो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा वन अपॉन में फोर, इस तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट हम इसको पहले मिटो लेते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके स्क्रीन के सामने आगे, प्लीज एक बार आंसर करें, आंसर करने की एक बार कोशिश करें, हो गया, बताएं आगे, पॉज कर लो, चलो ठीक है। अगला देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें वोल्ट बराबर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, एक बल्ब है, बल्ब का वोल्ट मुझे दे रखा है, ठीक है, यानी कि वोल्ट मुझे दे रखा है कितना है, 220 वोल्ट है। अब इन्होंने 220 वोल्ट है, इन्होंने बोल रखा है पावर कितनी है इसकी, जिसकी पावर है 100 वाट है, इन्होंने बोल रखा है कि अगर ये, यानी कि जो हमारा वोल्टेज था, वोल्टेज को अगर मैं इतना कर दूं तो आपको पावर निकाल के बताना है, तो ठीक है हम करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा 15वें नंबर के क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पहले हमें क्या दे रखा है कि हमें इतना बोल रखा है कि पहले वोल्टेज हमारा कितना था इतना, तो इसमें से पावर कितनी सप्लाई कर रहे थे हम, पावर इसकी इतनी थी, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यदि मैं वोल्टेज को बढ़ा के इतना कर दूं, मेरा मतलब कम करके इतना कर दूं, तो अब बताओ पावर कितना होगा इसके अंदर, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पावर निकालना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको पढ़ना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या मेंशन है, एक बार मैं पढ़ लूँ इसको, वन मिनट, 15 नंबर का क्वेश्चन, हाँ जी 15 नंबर का क्वेश्चन में बोला है कि आपको यहाँ पे, हाँ, पावर निकाल के बताना, ठीक है, हम करते हैं इसको। देखिए अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, एक बात बताओ, P बराबर क्या होता है, V इंटू में I, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है, होता है ना, अच्छा यहाँ पे बताओ P, P कितना है हमारा, पावर कितना है, ये है हमारा, V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे इतने, ये I निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, करंट, करंट कितना आ गया हमारा, वन, देखो इसको हम इससे काट लेंगे और, तो पाँच अपॉन में कितना आ जाएगा, ग्यारह, तो पाँच अपॉन में ग्यारह, ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। एक बात बताओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें ये निकालना है ना दोबारा से, तो ये निकालना है, यानी कि पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू में I। अब यहाँ पे देखो P इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, इस बार इतनी रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट तो सेम रहने वाला है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हमारा, पांच अपॉन में ग्यारह, ये इससे कट जाएगा तो वन और जीरो, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ गई, पचास, तो पचास वाट लिख देंगे, पचास वाट, क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल। अरे इन दोनों से भैया इलेक्ट्रिक करंट निकाल लिया, ठीक है, इसका द्वारा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को पुट कर हमने हमारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, मिटो दे इसको, चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने, अगले क्वेश्चन बोला है 16 क्वेश्चन में कि एक लैंप है, लैंप को मैंने कनेक्ट कर रखा है पैरेलल, ठीक है, लेंथ है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, अच्छा क्वेश्चन ये, इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पे लैंप है, दो लैंप है, उन दोनों को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर रखा है, दोनों का वोल्टेज कितना है, इतना है, तो आपको रिजल्टेंट वोल्टेज बताना है, वोल्टेज जो होगा दोनों को मिला के कितना आएगा। देखो एक ये था हमारा लैंप और एक ये लैंप है हमारा, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को, ये लैंप नंबर वन, ठीक है, और ये लैंप नंबर टू, इस तरीके से। इसमें आपका कितना पावर है, इसका पावर है 40 वाट का, इसका अगले वाले का कितना पावर है हमारा, इसका ही पावर कितना है 40 वाट का, तो टोटल पावर बताओ भाई, सिंपल बताओ, ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों को जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा 80 वाट, ठीक है, जोड़ देना भाई, देखो ना रेजिस्टेंस थोड़ी ना, ये आपका पावर है, पावर निकालना है, तो दोनों को जोड़ दोगे टोटल रेजिस्टेंस, वो पावर मेरा मतलब है, तो टोटल पावर आ जाएगा, क्लियर हो आपको, चलो मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है 30वें क्वेश्चन में, देखो एक बल्ब है, जिस बल्ब का पावर मुझे कितना दे रखा है, 60 वाट दे रखा है। अब यहाँ पे अच्छे से सुनना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है इन्होंने, यहीं से हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है इसमें 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोला है कि एक बल्ब है, एक बल्ब का वाट मुझे दे रखा है, मेरा मतलब है पावर दे रखा है, पावर कितना है, 60 वाट है, 60 वाट है। इसको बोला है कि मैंने यूज किया है, कब यूज, देखो टाइम दे रखा है, मैं कितना यूज करते हैं इसको, एक दिन में कितना यूज करते हैं, 5 घंटे यूज करते हैं, और इसको लगातार मैं यूज कर रहा हूं कितने दिनों तक, कितने दिनों तक, डेज मुझे दे रखा है 30 डेज तक। इन्हें बोला है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकालो, यानी कि आपके घर में, आप देखो जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक ऐसा चीज मान लो कि आपके घर में एक बल्ब है, बल्ब पे पावर कितना डिनोट है आपका, 60 वाट का। इन्हें बोला है कि एक दिन में आप कितना चलाते हो, कितने घंटे चलाते हो, 5 घंटे चलाते हो, और 30 दिन तक इसको चलाते हो, तो आप एक बात बताओ आपके मीटर में कितने यूनिट आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अब सुनो, ये जो वाट दे रखा है ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, किलोवाट, तो हम क्या कर देंगे इसको, पहले तो हम पी इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं 60 अपॉन में। अब देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 1 वाट में इसको हम इधर ले आएंगे, तो 1 वाट में कितने किलोवाट हो जाएंगे, 1 अपॉन में 1000, तो इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, किलोवाट आ जाएगा, ये इससे कट गया हमारा, तो 6 अपॉन में ये आ जाएगा हमारा नीचे 100, यहां पे क्या आ गया, किलोवाट, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है, ये हमने निकाल लिया पी इक्वल्स टू किलोवाट में, यह हमें घंटा में दे रखा है, ये हमें घंटा में तो दे ही रखा ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लो 1 किलोवाट पर घंटा। अब देखो किलोवाट को पहले रखना है, किलोवाट वाला फॉर्मूला ये कितना है हमारा, 1 अपॉन में 100, मेरा मतलब 6 अपॉन में 100 इंटू में, उसके बाद देखो क्या है हमारा, घंटा, तो देखो कितना घंटा दे रखा है, 5 घंटा।
अब एक बात तो, इसको कितने दिनों तक चलाते हो, कितने दिनों तक चलाते हो, 30 दिनों तक 30 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले इतनी चीज बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने बोला भाई अगर आप इसको 5 घंटे चलाते हो तो कितनी पावर खर्च होगी, तो मैंने इसको क्या बोल रखा है कि आपको ध्यान रखना है पहले इसको किलो वाट में चेंज कर लो। कर लिया, टाइम में घंटे में दे रखा था, कर लिया। अब ये तो था हमारा कि जो आप 5 घंटे चला रहे हो उसमें इतना क्या हो रहा है आपका, इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 30 से, किससे मल्टीप्लाई कर लो 30 से, क्योंकि आप 30 दिन तक चला रहे हो। तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करोगे कितना जाएगा, 30 इंटू में 3, नीचे क्या है हमारा 100 है, ये इससे कट गया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे कितनी यूनिट आएगी आपकी, 9 यूनिट आएगी। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर हो आपको, 9 यूनिट आएगी आपकी। चेक कर ले हम एक बार, 30वें का आंसर हम एक बार चेक करना चाहेंगे, 30 का आपका बिल्कुल सही है, 9 यूनिट आएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने क्या बोला भाई, ये यूनिट वाले क्वेश्चनों में ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें वाट दे रखा है ना, पावर दे रखा है, इस पावर को पहले किलो वाट में चेंज कर लो। कर लिया हमने 1000 से डिवाइड करके, अब ये घंटा में तो दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, किलो वाट वाले फॉर्म में आ जाएगा। 30 दिन चलाते हो तो 30 का मल्टीप्लाई हमारा आ गया 9 यूनिट। बस ये चीज याद रखनी कि 1 किलो वाट घंटा में कितने यूनिट होते हैं, 1 यूनिट होते हैं। तो आपको करना क्या, पहले किलो जो आपका वाट में दे रखा है उसको किलो वाट में चेंज कर लो, और टाइम को घंटे में चेंज कर लो, दिन दे रखा तो दिन से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो यूनिट में आपका आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, चलो मिटवा दे इसको, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 31वां क्वेश्चन, इन्हें बोला एक फैन है, फैन का मुझे पावर देखा, तो 31 क्वेश्चन में बोल रखा है पावर इक्वल्स टू कितना हमारा, 60 वाट है। इन्हें बोल रखा है इसको बोल रखा है कंज्यूम 3 यूनिट, ये कितना कंज्यूम करता है, इसकी यूनिट हमें दे रखा है, तो कंज्यूम कितना करता है, ये 3 यूनिट कंज्यूम करता है, 3 यूनिट। अब इन्होंने बोल रखा है कि आप बताओ ये कितने घंटे चलता है, ड्यूरेशन बताना है आपको, ड्यूरेशन यानी कि टाइम, ये कितना टाइम चला हुआ है। अब एक बात सुनो, मान लो आपके पास एक बल्ब था या फिर फैन था, फैन इन्होंने बोल रखा है इसके लिए, हाँ आपके एक फैन था, उस फैन पे पावर कितना है आपका, 60 वाट का पावर है, 60 वाट का पावर है उस फैन का। आपने जो इसकी यूनिट आ रखी कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। तो आप बताओ आपने इसको कितने देर तक चलाया था, ये आपको निकालना है, कितने घंटे चलाया था, चलो ये निकाल के बता दो। तो कैसे करेंगे इसको, सुनो हमें पता है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, किलो वाट में चेंज करते हैं। तो किलो वाट में हम चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, इंटू में टाइम तो नहीं पता, इक्वल्स टू लिख दो। अब यहाँ पे हमें यूनिट दे रखा है, इक्वल्स टू यूनिट आता है ना, किलो वाट घंटा बराबर क्या आता है, यूनिट आता है, तो हमने 3 रख दिया। अब देखो ये इससे कट जाएगा तो टी इक्वल्स टू कितना जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 3, और देखो 100 है ना, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा 6, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ गया 50, ये 50 घंटा है, क्या है 50 घंटा। इस तरीके से हमने निकाल लिया, तो टाइम कितना, कितने टाइम चला हुआ है, 50 घंटे चले हुए। तो 32वां क्वेश्चन बोल रखा है कि एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब पे पावर कितना, देखो 32वें क्वेश्चन में हमें पावर दे रखा है, पावर बराबर कितना 100 है, और यहाँ पे वोल्टेज बराबर कितना दे रखा है 400, तो हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है, हाँ कि ना बताओ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक बात बताओ कि P की वैल्यू कितनी हमारी, 100 है तो 100 रख देंगे, V की वैल्यू कितनी हमारी, 400 है तो 400 रख दिया। यहाँ से हमने I को ऐसे रन दिया, यहाँ से बताओ ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10/ में, देखो ये इससे और कट गया तो 1/ में 4 आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर कितना आ जाएगा, 1/ में 4 एम्पीयर आ जाएगा। एक बात बताओ, अब आपको V इक्वल्स टू कितना होता है, IR होता है, होता है कि नहीं होता, इसको यहाँ से हटा लो तो ये हमारे नीचे आ जाएगा। तो R बराबर यानी कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, V/I। अब V की वैल्यू बताओ कितनी है, हम बोल सकते हैं कि V की वैल्यू कितनी है, देखो बताओ V की वैल्यू आपकी 400, तो 400 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा ये कितना हमारा 1/4, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 1600, ये आ जाएगा आपका ओम। क्लियर हो आपको, अरे बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ से आप आई निकाल लो, आई के बाद आपको फॉर्मुला पता है आर निकालने का फॉर्मुला होता है V/I, वी की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू निकल रख दो जो आपने निकाला, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, मिटो दे। चलो बहुत बढ़िया, उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या बोला है कि एक बल्ब है आपका, ये पावर कितना दे रखा है हमें, 60 वाट का, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज कितना है हमारा, 100 वोल्ट का है। इन्हें बोला आई की वैल्यू निकाल के बताओ, तो देखो कुछ रह गया इसमें। अब एक बात तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, VI। यहाँ पे देखो कितना है, 60 है, ये देखो V इसके, मेरा मतलब V इसके नीचे आ जाएगा, P की वैल्यू आपने पुट कर ली, V कितना हमारा 100 है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे हमने I निकाल ली, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो I इक्वल्स टू कितना, 0.6 एम्पियर। खत्म, कुछ था नहीं इन क्वेश्चन में, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, हो गया ये, चलो मिटो दे इसको, हटाते हैं। अब अगला देखिए हमारा, इसके बाद हमारा क्या है, 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें वोल्टेज दे रखा है इतना, ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है, 3 वोल्ट, और हमें एम्पियर दे रखा है, मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है इतना एम्पियर। तो हमें आर निकाल के बताना भाई, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ये। एक बात मतलब V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, एक फॉर्मुला बस सिंपल से याद रखो। यहाँ से देखो V की वैल्यू कितनी आपकी, 3 है, आई को उधर ले आओगे तो आई कितना आपका, 0.6 है, यहाँ पे कितना आ गया आपका, आर आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे आंसर निकल जाएगा, हटा दे इसको, बहुत बढ़िया, चलो हटाते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, 40। 40वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसको हम सही से करते हैं थोड़ा। इन्हें बोला तीन रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स नंबर 1, 2, 3। इन तीनों को मैंने कैसे जोड़ रखा है, देख सकते हो, इन तीनों का सबसे पहले एक, इनमें से जो एक है, जैसे तीन रजिस्टर्स है आपके, इन तीनों में से प्रत्येक में कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इनको अगर मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूं, कैसे कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बताना है कितना होगा पूरे सर्किट में। तो एक बात सुनो,
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या, सिंपल बात है, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो ना, तो 1 अपॉन में आर एस एन के टोटल जो होगा कितना होगा, 1 अपॉन में आर वन प्लस में 1 अपॉन में आर टू प्लस में 1 अपॉन में आर थ्री, इस तरीके से 1 अपॉन में देखो ये कितना हमारा 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, भाई सबका 3-3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन में 3 कितना आ गया 1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं 1 ओम, यानी कि आर एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं टोटल कितना आएगा, 1 ओम आएगा क्या, 40वें का क्वेश्चन हम 40वें का आंसर चेक करना चाहेंगे एक बार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 1 ओम आएगा, ठीक है हटा दें, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके हो सकते थे वो सारे मैंने करा दिए, ठीक है। इन फॉर्मुलों को आप ध्यान रखना और ये यूनिट वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यूनिट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ना, वाट दे रखा है इनको, पावर जो दे रखा है और घंटा जो दे रखा है उसको आप किलो वाट में और घंटे में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन के बारे में, जितने भी आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है अब मैं उनको करा देता हूं यहाँ पे। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारे कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने बोला कि एक कूलम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक कूलम में आपके होते हैं 1 मेरा मतलब 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, ठीक है इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक आपके एक कूलम चार्ज में, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा था इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट नापने के काम आता है, तो मैंने आपको बता रखा है किस पे टिक लगा लोगे, एममीटर पे, एममीटर क्या करता है ये आपका करंट नाप के बताता है, ठीक है जी। अच्छा अब इन्होंने क्या बोल रखा है तीसरे क्वेश्चन में, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो वोल्ट पे आप टिक लगा लोगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसका देखो फोर्थ वाला मैंने करा दिया आपका, ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैंने सारे सॉल्व आपके करा दिए। उसका देखिए फिफ्थ में क्या बोल रखा है, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का जो वो बना होता है हमारा एलिमेंट, वो देखो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में आपको बाहर दिखते हैं वो किस चीज का बना होता है ये आपको बताना है, तो इन्होंने बोल रखा है कि किसका बना होता है, नाइक्रोम का, तो हम इस पे किस पे टिक टिक लगा लेंगे, सी वाला ऑप्शन जो है नाइक्रोम इसका आंसर होगा, ठीक है आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला छठा बोल रखा है कि 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो 1 वाट के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि वाट बराबर क्या होता है, मेरा मतलब वोट, वोल्ट, अरे यार बात बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, देखो वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है ना वोल्ट, या फिर वोल्टेज का फॉर्मूला देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में, मेरा मतलब वर्क डन अपॉन में क्यू। अब यहाँ पे देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी क्या होती है कूलम, तो जूल पर कूलम का मतलब क्या, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट, क्लियर हो आपको, बहुत बढ़िया देखो, ठीक है अगला हम करें, ठीक है तो आप इस पे टिक लगा लोगे वोल्ट पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है मैं, अब वोल्ट मीटर यूज टू मेजर, एक वोल्ट मीटर जो होता है किस लिए काम आता है, ये आपका वोल्टेज निकालने के काम आता है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस पे आप टिक लगा लोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, 9th भी करा दिया आपका, 10th देखिए, 10th में क्या बोल रखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, काम करने की दर को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, तो पावर पे इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है जी बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए हमारा 11वां का है, 11वां क्वेश्चन बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसमें से हम किसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नापने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, तो हम वाट पे टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उसके बाद देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है कि 1 किलो वाट, ठीक है 1 किलो वाट घंटा इज द यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट होती है, तो ये एनर्जी की यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था ना कि 1 किलो वाट घंटा इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये किसकी यूनिट है आपकी, ये किसकी यूनिट है एनर्जी की, तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी यूनिट होती है आपकी, एनर्जी की यूनिट होती है, क्लियर हो आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या बोल रखा है इन्होंने, नेक्स्ट बोला है कि 1 किलो वाट पर घंटा में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं मैंने बताया था आपको, तो हम लिख लेंगे 3.6 × 10 की पावर 6, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो 36 × 10 की पावर 5 पोल दो, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, अगर आपको पॉइंट में लिखना, मान लो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो आपको इसको 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, और 10 से मल्टी छोड़ो इसको, इधर छोड़ो, इसको हमने 10 से डिवाइड करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको देखो ये डिवाइड होकर 3.6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 6, यानी कि देखो दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लेना आप कैसे, देखो देख इस तरीके से, या तो हम इसको ये लिख दें 36 × 10 की पावर 5, या फिर हम लिख देंगे 3.6 × 10 की पावर 6, इस तरीके से दोनों ही आपका सही है, तो हमें जो दे रखा है हम उसके ऊपर टिक लगा लेंगे, इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इन्होंने कि अगला है हमारा, हाँ जी ये हो गया आपका 14 हो चुका है, 15 हो चुका है, 16 भी हो चुका है, ये आपके बर्ड्स प्रॉब्लम है, मैंने आपको करा दिए हैं। अगला देखो इन्होंने बोला है 17वें क्वेश्चन में कि वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू, अब देखो जो वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है किसके काम आता है, वो पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए, तो इस पर हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, इन अ मेटल, एक मेटल जो होता है, मेटल में क्या चीज होती है, सबसे पहले देखो इन्होंने बोल रखा है पहले वाले में
ऑल द इलेक्ट्रॉन आर फ्री, क्या सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते? नहीं भैया, इसमें ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी सही, क्योंकि कुछ ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहे हैं तो करंट कैसे मूव करेगा इसके उल्टे डायरेक्शन में। जैसे ये हमारा क्या है, इधर है इलेक्ट्रॉन, तो इधर आपके क्या है इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लोगे 19 का। अगला है हमारा, उसके बाद हमें दे रखा है, ठीक है इसे पढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्या हमारा 20वां क्वेश्चन, इन्होंने बोला है 2 रुपए पर यूनिट इज द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है, 1 किलो वाट। मैंने बताते हैं देखो 2 रुपए पर यूनिट, पर यूनिट ये किसके, इसका मतलब ये किसका, ये किसका खर्चा है, तो आपको बताना है ये खर्चा होता है हमारा किलोवाट घंटा का, क्योंकि यही तो 1 यूनिट के बराबर आता है, तो हम इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या, इन्होंने बोला ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो माइक्रोफोन पे टिक लगा लोगे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने, इन्होंने बोला एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होते हैं, यानी कि किसी भी, देखो जैसे पंखा है तो पंखा भी हमारा एप्लीकेशंस है, इसके अंदर से अगर करंट पास होगा तो हीट होगा। अच्छा एक बात बताओ कि करंट कौन सा है, एसी है, डीसी है, या फिर क्या है ये, या फिर ये दोनों ये, तो आप एक बात बताओ भाई, ये आपका इस पर डिपेंड नहीं करता, आप चाहे एसी पास करो किसी भी चीज में से या फिर डीसी पास करो, वो होगा तो हीट ही ना, हीट तो होगा ही होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका बोथ एसी एंड डीसी, या फिर दोनों ही आप इसमें से पास कर सकते हो, क्लियर हो आपको, ऑप्शन नंबर सी पे हम करेक्ट लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने, बोला कि एक एसी सप्लाई मे बी यूज डायरेक्टली फॉर ऑल दिस एक्सेप्ट फॉर वन, आइडेंटिफाई द वन फॉर द विच इट कैन नॉट बी यूज। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एसी जो सप्लाई है इनमें से हम सबके लिए करते हैं लेकिन किसी एक को छोड़ के, तो उसका आंसर बताना है आपको। देखो हीटिंग के लिए तो हम करते हैं, हमें एसी करंट पास करोगे तो तभी तो कोई चीज हीट होगी, लाइटिंग के लिए भी करते हैं या फिर वोल्टेज के लिए भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका इलेक्ट्रोप्लास्टिंग के लिए, तो ठीक है इस पर हम टिक कर लेंगे डी वाले पे। अगला देखो 24वें में क्या बोल रखा है कि 24, ठीक है ये तो मैंने बता दिया था आपको, एक 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, ठीक है 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बता रखा है जूल पर कूलम के, तो जूल पर कूलम यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक जो आपका रेजिस्टेंस होता है किसका, एमीमीटर का, एमीमीटर का, तो जो आपका आइडियल एमीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। जो आइडियल एमीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चीज सुनिए इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है इन्होंने 26वां क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हाई वोल्टेज पे क्यों छोड़ते हैं, ताकि क्या हो रिड्यूस लॉसेस, यानी कि लॉस जो है कम से कम हो, बस अभी आप याद कर लो इसको। तो अगला देखो इन्होंने क्या बोल रखा है 27वां बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, चलो आइडियल वोल्टमीटर यहां पे वोल्टमीटर बोला जा रहा है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनाइट होता है, कितना होता है इनफिनाइट, और अगर यही आपका क्या होता एमीटर होता, तो अगर ये आइडियल एमीटर होता तो इसका कितना होता, 0 होता, और अगर ये वोल्टमीटर है आइडियल तो इसका कितना होगा, इनफिनाइट होगा, क्लियर हो आपको। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, कैसे, जब मैं इसको क्या करूंगा, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि जब मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दूंगा किस में, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि मैं इसको पैरेलली अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा किसी रेजिस्टर के साथ, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा लेंगे। अगला देखिए हमारा 29वां क्या बोल रखा है इन्होंने, इन्होंने बोल रखा है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, एमीटर में होगा, एमीटर में तो आपका 0 होता है, वोल्टमीटर में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक लगा लेंगे, आपका वोल्टमीटर पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोल रखा है इसने, हां 30वां आपका हो गया है, 31 भी हमने आपको करा दिया, बिल्कुल 32 भी करा दिया क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है, और 33 भी हो गया हमारा। देखो 34 नंबर का, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपको यहाँ पे लगा लेना है नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम पे हम टिक लगा लेंगे, ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा उसका। उसका बोल रखा है कि द पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस इज गिवन बाय, अब देखो इसमें से कौन पावर बता रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V into I, तो V into IP हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो इन्होंने बोल रखा है इलेक्ट्रिक, 36वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसमें हम टिक लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी पे। 37 का नंबर का क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोल रखा था फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मैटर आर फ्री टू, अब देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के वो किस लिए फ्री होते हैं, मूव करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन मेटल, ठीक है, यानी कि जो मेटल में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, किस लिए फ्री होते हैं, ताकि वो हर जगह मूव कर सके, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है द करंट इन इन अ वायर डिपेंड,
जो करंट है हमारा एक वायर में, वो किस पे डिपेंड करता है? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन्हें, इन्होंने बोला है कि ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको ये डिपेंड करता है हमारा करंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला क्या बोल रखा है, ओनली ऑन द रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस पे सिर्फ डिपेंड करता है? देखो सिर्फ लगा हुआ है, देखो वोल्टेज पे तो करता है लेकिन ओनली नहीं लिख सकते आप, क्योंकि रेजिस्टेंस पे भी करता है और रेजिस्टेंस में भी ओनली लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा आपका। ये दोनों पे ही करता है, तो बोथ पे आएगा, वोल्टेज पे भी करेगा और आपका रेजिस्टेंस पे भी करेगा, क्योंकि देखो ना भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का ये है ना रिलेशन, तो वोल्टेज पे भी करेगा आर पे भी करेगा, तो क्लियर हुआ आपको। अगली चीज देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है इन्होंने कि ठीक है 39 नंबर का हो गया, 40 हो गया आपका, 41 भी हो चुका है, 42 भी हो सकता है, 43 देखिए। उसके बाद देखिए हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है जिसमें बोल रखा है इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहाँ पे एक इस तरीके से हम लगाते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे हमारा क्या नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से हम किसको कनेक्ट करते हैं एनोड को, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एनोड, एनोड पे हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एनोड, तो हम एनोड पे टिक लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमें, ठीक है बिल्कुल ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, एनोड आएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारा 44 नंबर का, इन्होंने क्या बोल रखा था, डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, कौन होता है वो जनरेटर, तो जनरेटर पे हम टिक लगा लेंगे। अगला बोल रखा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है, तो कूलम पे हम टिक लगा लेंगे। अगला बोल रखा है द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिपेंड अपॉन, यहां पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी वर्किंग किस पे डिपेंड करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट उसको हीट करेगा उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा अगला देखो इन्होंने क्या बोला है, द पॉजिटिव चार्ज आयन इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। तो यहां पे हम किस पे टिक लगा लेंगे, मेरा मतलब कैथोड नहीं कैटायन, भाई कैथोड तो यहां पे होता है ना, देखो ना ये एनोड हो गया पॉजिटिव वाला, ये कैथोड हो गया है ना, ये कैथोड हो गया आपका। अब यहां पे आपको पता है कि NaCl था, ये हमारा क्या हो जाएगा कैथोड, ये कैथोड हो गया नेगेटिव वाला टर्मिनल यहां पे, और यहां पे देखो क्या आपका NaCl है, तो ये कैसे टूट जाएगा आपका पॉजिटिव में टूट जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव में, और ये कैसे टूट जाएगा हमारा नेगेटिव में, तो जो आपका नेगेटिव वाला होगा कहां जाके चिपकेगा, इससे चिपक जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एनायन, एनायन। और ये पॉजिटिव वाला देखो पॉजिटिव था ना, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहां चिपक जाएगा, इस नेगेटिव वाले पे जाके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका एनायन और ये क्या हो जाएगा हमारा कैटायन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे कैटायन, कैटायन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वन मिनट हम देख लेते हैं, कैटायन पे टिक आ जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, कैटायन के पास है ना, देखो ना कैटायन के पास, तो हम इसका नाम क्या देंगे, कैटायन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, प्लीज देख लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है कि स्ट्रेट वायर का, एक स्ट्रेट वायर है जैसे वायर है, तो इस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, एक वन मिनट द्वारा पढ़ते हैं इसको। 48 नंबर का क्वेश्चन बोल रखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है एक स्ट्रेट कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो एक बात बताओ, पहला देखा टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है बताया था, मटेरियल पे तो खासकर डिपेंड करता है। अगला हाँ मटेरियल, एक देखा आपका शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। अगला देखिए हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो हमारा फ्लो होता है करंट का कैसा होता है, मैं आपको बता रखा जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे तो उल्टी डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। 51 का देखिए इन्होंने बोल रखा है जो हाउस होल्ड होता है उसमें फ्यूज वायर को कैसे लगाते हैं, फ्यूज वायर को हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, क्लियर हो आपको, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सीरीज लगा देंगे। बहुत बढ़िया, ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 51 के 51 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट्स चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।